नई दिल्ली प्रगति मैदान में प्लंबिंग, पानी और स्वच्छता उत्पादों पर देश की सबसे बड़ी स्टैंड अलोन प्रदर्शनी प्लंबेक्स इंडिया आयोजित की गई। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा और इसे अमृत 2.0 व SBM 2.0 के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया एवं भारत टैब पहल की शुरुआत की, जो भारत को जल संरक्षण और सतत विकास के एक नए युग में ले जाने के लिए लॉ फ्लो फिक्स्चर्स और सैनिटरी वेयर विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम है। गुरमीत सिंह अरोड़ा, नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन के उद्घाटन में कहा कि प्लंबेक्स इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के लिए बिजनेस डेवलपमेंट और विकास के अवसरों को जोड़ने और तलाशने के लिए एक विजनरी इनिशिएटिव है। ये इंडस्ट्री के अंदर कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप के लिए रोड मैप बनाने का इरादा रखता है। हरदीप सिंह पुरी ने प्लंबेक्स इंडिया में निर्मल जल प्रयास का लॉन्च भी किया। भूमिगत जल को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है और नरेडको माही निर्मल जल प्रयास के माध्यम से भूजल का मानचित्रण करेगा। नरेडको माही की निर्मल जल प्रयास के माध्यम से पानी बचाने की कोशिश करेगा, साथ ही जागरूकता लाने का भी प्रयास करेगा। That if you run an urban local body efficiently, you are able not only to completely alter the living conditions for your citizens, but land values go up, you are able to raise money. And I'm so happy that several of our cities have gone and raised municipal bonds, and they are a success. And there will be a success in the years to come. I commend the IPA for organizing this initiative. Over the years, you have done laudatory work in improving plumbing standards in India, bringing the Indian plumbing profession at par with international standards, and promoting the advancement of plumbing services by educating members of the trade and the general public through seminars, symposiums and exhibitions such as this. This exhibition caters to a fundamental service in the development of the nation, water and sanitation. There is no progress or growth without adequate sanitation, which is foundational in the hierarchy of basic services that a citizen expects. For 67 years after independence, I'm afraid we had an uneven or even a poor record in providing safe and hygienic conditions or services to our citizens. This resulted in an undue disease burden on millions of Indians and safety challenges for Indian women and girls. जो आप लोगों ने ये एग्जीबिशन लगाई है 2 दिन के लिए, क्या खास है और जो भारत टैप लॉन्च किया गया उसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे देश में पानी कम है क्योंकि हमारे देश में 17% आबादी है पूरी दुनिया की, लेकिन सिर्फ 4% फ्रेश वाटर है। इसलिए हमें देखना है कि हम पानी को कैसे बचाएं, पानी को कैसे जनरेट करें। तो भारत टैप इनिशिएटिव ये है कि हम 40% पानी नल में और अपने फ्लश में बचा सकते हैं, जिससे हमको इतना पानी ट्रीट नहीं करना पड़ेगा। अभी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम पहले तो एजुकेशन और अवेयरनेस करें कि पानी बचाओ। जैसे मैंने अंदर भी बोला, शावर के नीचे मत गाओ, आप लता मंगेशकर या मोहम्मद रफ़ी नहीं हो। आप पानी को ट्रीट करो, जितना आपका वेस्ट वाटर है, ग्रे और ब्लैक वाटर, उसको ट्रीट करके रीयूज़ करो। जैसे साहब महाराष्ट्र से आते हैं तो वहाँ मैंडेटरी हो गया है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का, STP। पानी को आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जितनी बारिश आती है उसको देखो कैसे आप यूज़ कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, अपने एक्वाफर्स को कैसे रिचार्ज कर सकते हो, और पानी देखो कैसे हम अपनी जनरेशन के लिए छोड़ सकते हैं। भारत सरकार से किस तरीके का सहयोग आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि आज इसकी लॉन्चिंग? हमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ से बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। ये भारत टैप इनिशिएटिव उनका इनिशिएटिव था। वो कहते हैं कि इनिशिएटिव इंडस्ट्री का और उनका है, लेकिन ये उनका इनिशिएटिव था, उनसे ही आया था कि हम कैसे पानी बचाएं। और मैं आपको कमिट करता हूं कि 40% पानी
आपके नल से और आपके फ्लश से आज के बाद बच जाए। कितनी कंपनियों ने इसमें आज जिस तरीके से जो एग्जीबिशन लगाया गया, कितनी इसमें महुआ में अमृत 2.0 के अंदर एक 100 कंपनी है जो स्टार्टअप इंडिया वाटर चैलेंज जिसको कहते हैं, 100 स्टार्टअप हैं जिसमें कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा है, कोई पानी को ट्रीट कर रहा है, कोई भारत टैप इनिशिएटिव कर रहा है। तो इन्होंने 100 चुने हैं और मिनिस्ट्री हर कंपनी को 100 में से 20 लाख रुपया देगी, स्टार्टअप को टोटल 20 करोड़ रुपया देगी कि आप ये जो भी आपका आइडिया जो हमने चूज़ किया है उसको चालू कीजिए। ये तो किस तरीके से बचाया जाएगा और क्या अवेयरनेस लोगों के अंदर? और सर ये भी है ना कि आजकल पानी पीने की बॉटल्स भी बोलते हैं कि उसमें माइक्रो प्लास्टिक होता है बहुत ज़्यादा, तो उसका क्या सलूशन है? पहली बात तो क्या है कि पानी बचाने के लिए हम लोगों ने सारे डेवलपर ने सूर्य ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए है। तो उससे क्या होता है कि जितने भी पानी अपन जो फ्लश में डालते हैं जो पहले वेस्ट हो रहा था तो वो आज पूरा रीयूज होने लग गया। साथ ही साथ अब जैसे ये सरकार ने जो किया है कि हर घर नल बोलो, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जितने भी पानी जो पहले बह के जाता था या प्लम्बिंग में अगर आप देखो तो कितनी जगह पर पाइप फूट जाते थे जो वेस्टेज होता, तो आज हर आदमी को पानी की महत्व पता चल गई। अगर आप देखो तो अमेरिका में उनके स्टॉक एक्सचेंज पर पानी के लिए ऑलरेडी लिस्टिंग चालू हो गया। मतलब आप सोचो आज अपने को क्या हो गया है कि भगवान ऊपर से बारिश देता है और अपने को पानी मिल रहा है, जो आज पानी मिलता है इसलिए किसी को उसकी कीमत नहीं पता चलती है, लेकिन अगली पीढ़ी को पानी के लिए दर दर तरसना पड़ेगा। तो हमारा दायित्व बनता है कि जैसे आज अपन ने बच्चे पैदा किए तो बच्चे पैदा करने से अपना खत्म नहीं होता, अपन ने उन बच्चों को इस धरती पे लाया है। तो आज जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो आज सारी दुनिया में चिल्लाते ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग, तो उसके हिसाब से मेरठ को हर साल कम से कम 2 लाख पेड़ लगाती है। आज पानी बचने के लिए जब बारिश होता है तो बारिश का पानी जो बह के समंदर में जाता है उसके बदले में अगर पेड़ लगाओ तो वो पानी ग्राउंड में चले जाता है। तो जितना अगर आप पानी ग्राउंड में स्टोर कर सकते हो तो वो पानी फ्यूचर जनरेशन के लिए मिलने वाला है। और दूसरा जो आपने जो बोला प्लास्टिक, आज हर स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली महाराष्ट्र ने प्लास्टिक टोटल बैन किया हुआ है। अगर आप देखे होंगे अभी भी अगर आपने डायस में देखा होगा तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि कांच की बॉटल थी। तो वो ये एक चीज़ समझो, सरकार या एसोसिएशन या हम थोड़े लोग मिलके कुछ नहीं होगा। जब तक आम जनता इसका इम्पोर्टेंट समझेगी नहीं ना, तब तक कोई मिशन नहीं होगा। तो इसके लिए अगर आप सोचो, जब हरदीप सिंह पुरी जी ने भी बताया वहाँ पर कि अपने प्रधानमंत्री ने लाल किले से बताया कि बाबा स्वच्छ भारत करो या हर घर शौच बनाओ, तो जब उन्होंने जब बताया था 2014 में तो लोगों को लगा था कि नहीं ये तो सिर्फ बात करते हैं, पॉलिटिशियन ही बोल रहे हैं, लेकिन उसको उन्होंने हकीकत करके बताया। जी रोटरी किस तरीके से अपनी भूमिका जो है इसमें निभा रही है? हमारी जो संस्था है रोटरी इंटरनेशनल, रोटरी इंटरनेशनल के करीबन 4000 क्लब सारे हिंदुस्तान में है और हमारा एक ट्रस्ट है रोटरी इंडिया वाटर कंजर्वेशन ट्रस्ट जिसको हमने वर्ष 2004 में बनाया था। हमारा मतलब सिर्फ एक पर्पस पे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी सब हम कहते हैं कि पानी को बचाओ, पानी से बचा रहे हैं, लेकिन पानी नीचे से आना भी तो चाहिए ना। अभी आप देखते हैं कि पानी के जब खुदाई बोरवेल लगाते हैं 200 फुट 300 फुट 500 फुट हजारों फुट पे नीचे चले जाते हैं। अब वहाँ पे पानी किसी तरह लाना है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति उन्होंने एक प्रयास किया है, कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी एक एक्रोनिमिक किया है, बहुत बढ़िया सा मंत्र बनाया है, WATER। पंच तत्व होते हैं, एक 5 वर्टिकल्स हैं। W से वाटरशेड डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, चेक डैम्स वगैरह बनाते राजस्थान वगैरह में, पानी को रोके चेक डैम बनाया और पानी नीचे चला गया, भूमि फर्स्ट क्लास बन गई। फिर है ए, अवेयरनेस करते हैं कि लोगों का बिहेवियर चेंज होना चाहिए। टी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वाटर बॉडीज, रिजुविनेशन। इतनी हिंदुस्तान में इतनी वाटर बॉडीज हैं, सब इंक्रोचमेंट होती चली जा रही हैं, किसी तरह उनको हमें बचाना है, ये हमारा पर्पस है, हमारा कर्तव्य है। फिर आता है हमारा ई, एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, जिस पे हम IPA के साथ मिल गए, बहुत कार्य कर रहे हैं, के साथ हमारा MOU भी है, इनके एडिटर्स हैं, वो हम सारे हिंदुस्तान भर में लगा रहे हैं। अभी हम लो फ्लो फिक्स्चर्स ही बना रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और बढ़िया चीज़ आ गई। तो इससे भी पानी के जो रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल रिस्पेक्ट डिफरेंट तरीके के हम पानी की सेवा कर रहे हैं। और पाँचवा है जो कि सबको मालूम भी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
TER. इससे हमारा बहुत टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है हिंदुस्तान के लिए, और उसके बीच में हम लगे हुए हैं. और अभी मैंने देखा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी में कई जगह, बुंदेलखंड में काफ़ी विलेजेस में पानी जो है ऊपर आता चला जा रहा है. और जो यूथ हमारा, जो यंग गए भाग रहा था बाहर की तरफ अपने अपने गांव को छोड़ के, वो वापस आता चला जा रहा है. जो इकोनॉमी डेवलपमेंट होती जा रही है, वहाँ की जो बच्चियाँ हैं स्कूल में पढ़ते जा रही हैं, कि स्कूल्स भी खुलते जा रहे हैं वहाँ पर, इन सबको आप देखेंगे, इसको हम कहते हैं हार्नेस एंड हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर. ये हमारा कर्तव्य है.